शब्दों की ताकत इस कार्यक्रम के प्रथम भाग में मैंने आपसे चर्चा किया था कि कैसे शब्दों का प्रयोग करके हम किसी भाव का सचित्र वर्णन कर सकते हैं, शब्दों का प्रयोग करके हम यथार्थ को कैसे पैदा कर सकते हैं, यथार्थ का किस प्रकार हम संप्रेषण कर सकते हैं तथा शब्दों का प्रयोग करके हम किस प्रकार उलझन पैदा कर सकते हैं, संदिग्धता पैदा कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम के इस भाग में यानी भाग दो में हम चर्चा करते हैं कि शब्दों का प्रयोग करके हैं हम किस प्रकार संप्रेषण में बाधा पैदा कर सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि अगर शब्दों का सावधानी से प्रयोग न किया जाए तो किस प्रकार हमारे संप्रेषण में बाधा पैदा होती है और जो बात हम संप्रेषित करना चाहते हैं वो हमारे ग्राहक तक यानी हमारे रिसीवर तक, हमारे श्रोताओं तक बात ठीक से नहीं पहुंच पाती है। जहां तक शब्दों का उपयोग करके या आप कह सकते हैं कि शब्दों का सही उपयोग न करने से संप्रेषण में बाधा पैदा होने का प्रश्न है, सबसे पहले प्रकार की उस बाधा का हम जिक्र करना चाहेंगे आपके सामने, जिसे हम कहते हैं अनेकार्थी कथन यानी बाईपासिंग। एक शब्द के कई अर्थ भी हो सकते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम इन शब्दों का सावधानी से प्रयोग न करें, अपने कथन में, अपने वाक्यों में इनका उपयोग ठीक से न करें तो जो बात हम संप्रेषित करना चाहते हैं वो संप्रेषित न होकर के कोई और बात और तथ्य हमारे श्रोताओं तक पहुंच पाती है और इस प्रकार संप्रेषण में बाधा पैदा होती है। हिंदी में खास करके इस प्रकार के बहुतेरे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। हम आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहेंगे। जैसे एक दोहा है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराय जग वा खाए बौराय। यहां पर कनक कनकते सौगुनी, यहां पर कनक दो बार प्रयोग किया गया है और एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। यानी सोना पाने से लोग पागल हो सकते हैं, बौरा सकते हैं और धतूरा खाने से भी वही स्थिति पैदा हो सकती है। यहां पर अगर हम कनक शब्द का प्रयोग, यहां पर देखिए बड़े सावधानी से इसका प्रयोग किया गया है, कनक के खाने से, कनक के पाने से, तो धतूरा पाने से कोई बौरा नहीं सकता और सोना खाया नहीं जाता है। तो यहां पर देखिए इस दोहे के रचयिता ने बड़े सावधानी से प्रयोग किया है और यही कारण है कि कनक शब्द दोनों अर्थों को बखूबी संप्रेषित कर पा रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि आज कनक लता हमारी क्लास में नहीं आई, अब कनक लता, या यह भी कह सकते हैं कि मेरे पास कनक लता है, अब क्या अर्थ निकालेंगे आप? कनक लता धतूरे की लता है या सोने की लता है? धतूरे की अगर ऐसा पौधा हो कि उसकी लताएं हो जैसे धतूरा जैसा, हालांकि धतूरे में लताएं नहीं होती हैं, धतूरा एक ऐसा पौधा होता है जिसमें कि झाड़ी नुमा है वो, लेकिन सोने की लता बना सकते हैं, कृत्रिम लता बना सकते हैं। तो अगर कनक लता शब्द का प्रयोग हम ठीक से नहीं करते हैं तो ये दो तरह के अर्थ पैदा कर सकते हैं या अनेकों अर्थ पैदा कर सकते हैं और इस प्रकार जो बात हम कहना चाहते हैं वो संप्रेषित नहीं हो पाएगी। हम दूसरा उदाहरण आपके सामने रखते हैं। इसमें देखिए कई शब्दों को लिया गया है, कई शब्दों के अनेकों अर्थ या कम से कम दो अर्थ निकाले गए हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंद मूल भोग करें कंद मूल भोग करें, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। ये हिंदी की एक कविता है। इसमें देखिए कंद मूल भोग करें कंद मूल भोग करें, पहले वो कंद कंद मूल फल जो होता था उसका भोग करते थे, उसका रसास्वादन करते थे, अब कंद कंद की मूल खाते हैं। मूल मीन्स जड़,
जो शकरकंद है वो जो हम शकरकंद खाते हैं उसका वो हम जड़ का पार्ट खाते हैं, जड़ का भाग खाते हैं। तो पहले कंदमूल फल खाते थे, अब कंद की जड़ है वो खा रहे हैं। तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं। तीन बेर पहले तीन बार खाती थी, बेर का अर्थ बार भी होता है, और बेर मीन्स आज केवल तीन बेर खा करके, बेर एक फल का नाम है, तीन बेर खाती है। तो इस प्रकार देखें कि ये शब्द जो यहां पर प्रयोग किए गए हैं ये इतनी सावधानी से प्रयोग किए गए हैं कि अर्थ में भावार्थ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपसे ये आप किसी से यह प्रश्न करें कि भाई तुम कितनी बेर खाओगे, अब यहां देखिए उलझन पैदा हो जाएगी, कितनी बेर खाओगे। अगर सामने बातचीत हो रही है और किसी प्लेट में बेर रखी गई है, किसी डलिया में बेर रखी गई है, तो यह बात एकदम क्लियर होती है कि उन बेर में से कितनी बेर खाओगे। और किसी ने खाना मांगा आपसे और आपने कह दिया कि कितनी बेर खाओगे, तो इसका मतलब यह हो गया कि भाई ऑलरेडी तुम खा चुके हो, मतलब कितनी बार खाना खाओगे। तो देखिए अगर हम यही बेर शब्द सावधानी से इसका उपयोग नहीं करें तो इसके अनेकों अर्थ निकल सकते हैं और उलझन पैदा हो सकती है। तो यहां पर मैं ये अपनी बात को सारांश देना चाहूंगा कि हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे अन्य भाषाएं हैं, सब में कुछ न कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जिनके अनेकों अर्थ होते हैं, और उन अर्थों का अगर आप ध्यानगत रखते हुए अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो भाव आप पैदा करना चाहते हैं, जो बात संप्रेषित करना चाहते हैं, वो आपके श्रोताओं तक वो बात नहीं पहुंचेगी। यहां पर मैं एक शब्द है अंग्रेजी का रन शब्द बड़ा काफी प्रचलित शब्द है, खास करके क्रिकेट में ही इसको देखिए। जब आप कहते हैं कि बॉलर ने 20 कदम का रन अप लिया, अब यहां देखिए रन के आगे अप जोड़ दिया तो रन अप का मतलब कुछ और होता है, और जब ये कहते हैं कि दो रन बनाए गए तो रन बनाना कुछ उसका दूसरा अर्थ है। अगर इन शब्दों का प्रयोग ठीक से न करें, इवन क्रिकेट की ही भाषा में इनका प्रयोग ठीक से न करें तो दूसरे अर्थ पैदा हो जाएंगे। रन शब्द का जो उपयोग लोग करते हैं ऐसा लोगों ने शोध के माध्यम से पाया है कि लगभग 800 अर्थ इसके निकाले गए हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में जो आम दिनचर्या में प्रयोग में आने वाले लगभग 500 शब्द ऐसे हैं जिनका 14,000 से अधिक अर्थ निकाले गए हैं, अलग अलग जगहों पर लोगों ने उनका प्रयोग किया है, यह शोध के माध्यम से पाया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो केवल अंग्रेजी भाषा में ही नहीं, हिंदी भाषा में ही नहीं, बल्कि समस्त भाषाओं में इस प्रकार शब्दों को आप देख सकते हैं जो कि समय के साथ अपने अपने भावार्थ बदलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में भी भावार्थ बदल जाते हैं। जैसे मैं यहां पर एक शब्द बाई शब्द है उसका मैं उदाहरण लेना चाहूंगा। मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहूंगा कि जब मैं 25-26 वर्ष पहले इंदौर में आया तो यहां पर देखा कि लोग बाई शब्द का किसी नारी के नाम के आगे बाई शब्द का प्रयोग, जैसे यह कहते थे सुशीला बाई, कौशल्या बाई, राधा बाई, इस तरह का शब्द प्रयोग करते थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बाई शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, जबकि मेरा जन्म स्थान बनारस का, बचपन वहां गुजरा, तो मैंने देखा वहां पर बाई शब्द जो है वो बड़ा निगेटिव शब्द है, बड़ा नकारात्मक शब्द है। अगर किसी स्त्री का अपमान करना हो तो उसके नाम के आगे बाई शब्द लगा दें। तो आप देखिए स्थान के दरमियान नाम बदलते हैं, शब्दों के भाव बदलते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास सेवा सदन में भी बाई शब्द का प्रयोग किया है, और ये इस तरह से प्रयोग किया है जिसका एकदम नकारात्मक प्रयोग है कि किसी स्त्री को के आगे नाम के आगे अगर बाई शब्द लगा दिया जाता है तो उसका बड़ा ही मतलब एक तरह से नकारात्मक रूप पैदा होता है। तो आप ये देखिए कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो एक ही शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, एक समय में कोई
एक शब्द का अर्थ कुछ और होता है, समय के दरमियान उस शब्द का अर्थ बदलता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर, एक ही शब्द का थोड़ा सा आप जो है सावधानी से प्रयोग न करें तो जो अर्थ, जो भावार्थ आप श्रोता के मन में पैदा करना चाहते हैं वो नहीं पैदा करके दूसरा भावार्थ पैदा हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम अनेकार्थी कथन या बाईपासिंग कहते हैं। शाब्दिक संप्रेषण में दूसरे प्रकार की बाधा तब पैदा होती है जब हम अपने कथन में ध्रुवीकृत शब्दों का प्रयोग करते हैं। ध्रुवीकृत शब्द मीन्स हम शब्दों को किसी एक पोल पर रख करके बात करते हैं। उदाहरण के लिए आपने किसी से पूछा कि भाई आपकी क्या हालचाल है, तो दूसरे व्यक्ति ने जिससे आपने हालचाल पूछा वो कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूं। दूसरे व्यक्ति से पूछ रहे हैं उसके अलावा वो भी कहता मैं बहुत अच्छा हूं। तीसरे से पूछ रहे हैं वो भी कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूं। अगर मान लीजिए इस तरह से 25 आदमियों से आपने सबकी हालचाल पूछा और सारे लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या सभी लोगों की स्थिति एक जैसी है, या लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत खराब स्थिति में हूं, तो क्या सबकी स्थिति बहुत खराब है, बीच की स्थिति नहीं है क्या? कभी कभी कुछ लोग ये कहते हैं कि हां भाई कुछ ठीक भी चल रहा है, कुछ खराब भी चल रहा, मिला जुला के औसत है, स्थिति औसत है। लेकिन इस तरह के वक्तव्यों का प्रयोग करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और यही कारण होता है कि जब अधिकांश लोग इस तरह के पोलराइज्ड वर्ड या अपने कथनों का ध्रुवीकरण करते हैं तो श्रोता को या आप उनसे सवाल पूछते हैं तो आपको एक निष्कर्ष प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे आप किसी व्यक्ति से पूछें, फोन करके लोग पूछते हैं कि भाई क्या हालचाल है, आपके परिवार के और लोगों की क्या हालचाल है, फलां की क्या स्थिति है, वो कैसे, सबने अगर बहुत अच्छा बोला तो इसका मतलब यह होता है कि कहीं न कहीं हम जो है बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, और जो हमारी बात सुन रहा है वो शायद व्यक्ति जो निष्कर्ष निकालेगा वो सही निष्कर्ष नहीं होगा। तो इस तरह की स्थिति को हम पोलराइजेशन बोलते हैं या ध्रुवीकरण बोलते हैं। इसमें जिस तरह का मतलब जब लोग किसी प्रश्न का जवाब देते हैं या स्वयं अपना कथन देते हैं कि यह स्थान बहुत सुंदर है, वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, यह भी या व्यक्ति बहुत खराब है, तो मुझे लगता है कि बोलने से पहले ठीक से सोच करके नहीं बोलते हैं, मूल्यांकन करके नहीं बोलते हैं, दिमाग में जो बात चल रही है और जो हम बात कह रहे हैं उनके बीच तारतम्य नहीं है, इसी कारण से इस तरह का पोलराइजेशन पैदा होता है। और जब इस तरह का पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है शब्दों के माध्यम से, तो जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है या जो संप्रेषण के माध्यम से हम जो बात कहना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, हूबहू वो बात नहीं पहुंचती है। तो यहां पर बात यह होनी चाहिए कि जब हम इस तरह की बात करते हैं, इस तरह का मूल्यांकन करते हैं, तो सही मूल्यांकन करके, सही शब्दों का प्रयोग करके हम अपनी बात को संप्रेषित करें। यहां पर मैं एक व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित एक शोध तकनीकी की बात मैं करना चाहूंगा। आसगुट ने 1962 ईस्वी में एक शोध तकनीकी, आंकड़ों के संकलन की जो एक तकनीकी है उसका जिक्र किया, उसको बोलते हैं सिमेंटिक डिफरेंशियल। सिमेंटिक डिफरेंशियल में भी यही बात उन्होंने कही कि अक्सर जब हम किसी से कोई डेटा लेते हैं, किसी के बारे में पूछते हैं, जैसे आपने ये दिया कि लोकतंत्र अच्छा है या बुरा है, लाभदायक है नुकसानदायक है, तो व्यक्ति के सामने क्या होता है, या तो लाभदायक पर टिक कर दिया या नुकसानदायक पर टिक कर दिया, या अगर इस तरह के ऑप्शन न भी दें तब भी लोग ऐसी बात करते हैं जब आप सवाल पूछें कि लोकतंत्र कैसा है, लोकतंत्र अच्छा है, इस तरह का जवाब आता है।
ये कोई बात नहीं कहता कि लोकतंत्र कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है, इस तरह का मूल्यांकन शायद नहीं हो पाता। इसीलिए आसगुड ने एक ऐसी तकनीकी का विकास किया जिसे सिमेंटिक डिफरेंशियल कहते हैं, और उन्होंने ये कहा कि ये जो दोनों ध्रुव हैं, दोनों पोल हैं, अच्छा बुरा या बहुत अच्छा बहुत बुरा के बीच में, अच्छा बुरा, कम अच्छा कम बुरा, औसत मतलब बीच की स्थिति हो गई, या जहां पर कि संदिग्ध है मामला, जहां पर कि न तो अच्छा न तो बुरा या बीच की स्थिति हो गई, इस तरह का उन्होंने 7 बिंदु वाला स्केल बनाया या 9 बिंदु वाला स्केल बनाया, जैसा उन्होंने कहा कि जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं। और किस विशेषण को आप रेट करना चाहते हैं, किस ऑब्जेक्ट को आप रेट करना चाहते हैं, उसके लिए ये विशेषण हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बगीचे की रेटिंग करनी है, आपने कहा बगीचा ये है, वृंदावन गार्डन है जैसे, उसको आपने ऊपर लिख दिया और ये कहा कि बहुत अच्छा बहुत बुरा, 2 पोल दिए बीच में जो है, मिडिल के भी बीच के भी कुछ बिंदु दिए, इसी तरह सुंदर खराब भद्दा, ऐसा जो है स्केल उन्होंने बनाया और कहा कि जब भी हम आंकड़े संकलित करें तो इस तरह का स्केल जो है हमें देना चाहिए, जिसमें किसी संकल्पना के लिए बहुत सारे जो है अपोजिट एडजेक्टिव्स यूज किए जाएं, अपोजिट विशेषण यूज किए जाएं, और उन विशेषणों के बीच में कुछ बिंदु है और उन पर किसी ऑब्जेक्ट को किसी कॉन्सेप्ट को रेट करने की प्रक्रिया है, जिससे कि वास्तविक आंकड़े प्राप्त हो सके। तो यहां पर मैं यह कहना चाहूंगा कि इस तरह की जब पोलराइजेशन की स्थिति पैदा होती है, ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा होती है, तो ये तब होती है जब हम अनकॉन्शस होकर के अपनी बात को कहते हैं। कॉन्शस होकर के नाप तौल करके बात करेंगे तो हम वही संप्रेषित कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी हम इस तरह के संप्रेषण की प्रक्रिया प्रतिपादित करते हैं तो हमें सोच समझ करके इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम जो वास्तविकता में सोचते हैं, जो हम समझते हैं, वही बात जो है हमारे श्रोताओं तक या वही बात जो है संग्राहक तक पहुंचे। संप्रेषण में जो तीसरी बाधा पैदा होती है वो इस प्रकार पैदा होती है कि हम अक्सर सरल किंतु असत्य सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं। जो वाक्य होते हैं वो तो बहुत सरल होते हैं, जिसे लोगों को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब विश्लेषण करते हैं उन वाक्यों का तो वो पाते हैं कि वाक्य सरल तो हैं लेकिन इनको स्वीकार करना कठिन काम है। मैं एक आपके सामने उदाहरण रख रहा हूं। जैसे जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि इस गांव के सारे लोग चोर हैं, अगर किसी गांव में 4-5 भी चोर हो जाएं और वो 2-4 बार पकड़ लिए जाएं, मान लीजिए 4-5 व्यक्ति चोर हैं और वो जितनी चोरियां किए हैं उसमें से केवल 2-4% बार वो पकड़े जाएं, तो भी हम घोषित कर देते हैं कि ये गांव चोर है। क्यों ऐसा कर देते हैं? क्योंकि मान लिया कि अगर ये 4 व्यक्ति इन्होंने चोरी किया और 5-6 बार पकड़ लिए गए तो ये पूरे गांव में सारे लोग चोरी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो बचे हुए व्यक्ति हैं, क्या उनके बारे में जानकारी हासिल की गई कि ये चोर हैं या नहीं है? लेकिन जब जानकारी हासिल की जाती है तो ये पता चलता है कि ये केवल यही 4 व्यक्ति हैं जो एक ग्रुप बनाए हुए हैं और ये चोरी करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो इसमें से कभी कोई एक व्यक्ति पकड़ लिया गया, कभी दूसरा व्यक्ति पकड़ लिया गया, कभी तीसरा व्यक्ति पकड़ लिया गया, और हमने ये सामान्यीकरण कर लिया कि इस गांव के सारे व्यक्ति चोर हैं। सुनने में तो बड़ा सरल है मामला, लेकिन जब इसका विश्लेषण करेंगे, जब तथ्यों को एकत्रित करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, तब ये आप पाएंगे कि नहीं, केवल यही व्यक्ति 4 ही व्यक्ति चोर है,
बाकी सारे लोग ईमानदार हैं, अच्छे लोग हैं। और अगर ये चारों लोग जो है पकड़े नहीं जाते तो सारा गांव ईमानदार होता। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दूसरे गांव में उनसे ज्यादा चोर हैं, लेकिन वो इसलिए ईमानदार कहे जा रहे हैं क्योंकि वो पकड़े नहीं गए। तो यहां पर एक चीज आप देखिए, इस तरह का जब हम कथन कहते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट हम जब जारी करते हैं तो स्वीकार करने में लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लोग स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन जब उनका विश्लेषण किया जाए तो यह देखा जाता है कि बात कुछ और है और हम जो स्वीकार किए हैं वो कुछ और बात है। जैसे कभी कभी ये कह देते हैं कि फला देश बहुत विकसित देश है, बहुत अच्छा देश है, क्या वहां पर कोई खराबी नहीं है? क्या जिनको हम अविकसित कर रहे हैं, जिनको विकासशील देश कह रहे हैं, वो देश जो है किसी और पैमाने पर विकसित नहीं है? लेकिन हमने एक सरल सामान्यीकरण कर लिया कि भारत जैसे हमारा देश जो है विकासशील देश है। लेकिन अगर हकीकत में भारत की स्थिति का अवलोकन करें तो आपको यह देखने को मिलेगा कि बहुत मायने में हम विकसित देशों से भी आगे हैं। तो इस तरह का सामान्यीकरण टोटलिटी को ध्यानगत रखते हुए, संपूर्ण बातों को ध्यानगत रखते हुए, या पूरी जो बारीकी से हम कहें कि विश्लेषण नहीं किया मैंने और उस तरह से अपने वक्तव्य को जारी कर दिया, जिसको स्वीकार करने में तो आसानी है लेकिन जब उसका विश्लेषण करेंगे, जब उस वाक्य को हम किसी और जगह क्रियान्वित करेंगे, उसको अमल में लाएंगे, तो हमें परेशानी पैदा होगी, क्योंकि हमने जो सामान्यीकरण किया है वो बहुत गहराई तक जाकर के नहीं किया है। तो कभी कभी इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके जो हम कथन कहते हैं, जो वक्तव्य जारी करते हैं, वो सुनने में अच्छे लगते हैं, ग्राह्य होते हैं, लेकिन जब उनको अमल में लाते हैं, जब उनका विश्लेषण करते हैं, जब उनका जो है हम प्रतिउत्तर तैयार करते हैं, तब हमें परेशानी होती है। और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करके जो संप्रेषण की प्रक्रिया प्रतिपादित की जाती है, संपन्न की जाती है, वो बात नहीं संप्रेषित कर पाती जो हमको करना चाहिए या जो हम करना चाहते हैं। संप्रेषण में चौथे प्रकार की बाधा तब पैदा होती है जब हम किसी चीज का, किसी भाव का, किसी व्यक्ति का एक स्थिर मूल्यांकन ही प्रयोग में लाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग बार बार यह कहते हैं कि आज के 20 साल पहले की बात करते हैं, 30 साल पहले की बात करते हैं, और उस डेटा का प्रयोग करते हैं, उस आंकड़े का प्रयोग करते हैं अपनी बात को बताने के लिए। लेकिन 20 साल में क्या कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? मैं यहां पर एक उदाहरण आपको, आपके सामने रखूंगा कि अगर आपको कोई यात्रा करनी है, किसी यात्रा पर जाना है, और आप सड़क का मानचित्र देख रहे हैं, लेकिन यह मानचित्र 20 वर्ष पुराना है, 25 वर्ष पुराना है, या 10 वर्ष पुराना है, उस बीच कोई दूसरी सड़क बन गई है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मैं लेना चाहूंगा कि अगर इंदौर से शिरडी जाना है तो अगर आप पुराना मैप यूज करेंगे तो निश्चित रूप से दिग्भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि अभी इंदौर से शिरडी जाने के लिए एक हाईवे, अच्छी सड़क बनी है, जिसका जो कई छोटे छोटे गांवों को, छोटे छोटे टाउन्स को बाईपास करके सीधे निकल जाती है। और अगर आपने नया मैप नहीं यूज किया है तो निश्चित रूप से आप पुरानी सड़क का अवलोकन करते हुए या गलत रास्ते से होते हुए आप शिरडी की यात्रा करेंगे, और इस प्रकार आपका समय भी अधिक लगेगा, परेशानी भी अधिक पैदा होगी, खर्च भी अधिक लगेगा। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हो सकते हैं। जैसे अगर आप भारत की आबादी का पुराना आंकड़ा आपके पास हो और उसके आधार पर आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं,
तो जो भी योजना आप बना रहे हैं, जो भी परियोजना बना रहे हैं, वो न परियोजना ही उचित होगी और न ही परियोजना के बारे में जो संप्रेषण की प्रक्रिया होगी वो भी सार्थक नहीं होगी। तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, जो स्थिर मूल्यांकन है, जो स्टैटिक इवैल्यूएशन है, ये कुछ समय तक कोई भी मूल्यांकन, कोई भी इवैल्यूएशन, कोई भी फाइंडिंग, कुछ समय तक इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद परिस्थितियां बदलती हैं और परिस्थितियों के बदलने के बाद अगर हम इसी का अवलोकन करते रहें, तो इसी की बात करते रहें, तो हम जो बात कहना चाहते हैं, जो बात बताना चाहते हैं, वो नहीं बता पाएंगे। तो यहां पर मैं इसको इस प्रकार से कहना चाहूंगा कि जब भी हम बात करते हैं, कोई बात समझाना चाहते हैं, किसी को संप्रेषित करना चाहते हैं, तो जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों को ध्यानगत रखा जाए और परिवर्तनों के साथ साथ जो आज की वर्तमान स्थिति है, अगर हम वर्तमान की बात कर रहे हैं तो आज का क्या मूल्यांकन है उसको ध्यानगत रखते हुए अपनी बात को कहा जाए। जैसे अक्सर हम कभी कभी ये सुनते थे कि लोग जब किसी गांव में रिश्ता करना होता था तो बहुत सोचते थे और ये कहकर के रिश्ता नहीं करते थे कि जो है अरे इस गांव के लोग अच्छे नहीं होते हैं, मारकाट करते हैं, दुष्चरित्र हैं, इसलिए यहां पर अपनी बेटी का और बेटे का रिश्ता नहीं करना है। यह कब की बात है? यह 20 वर्ष पहले की बात है। लेकिन 20 वर्ष में इतना परिवर्तन हुआ कि उस गांव के लोग काफी विकसित हो गए, आदर्श गांव हो गया, जो नई पीढ़ी है पढ़ी लिखी है। अगर आप किसी को रिश्ते की बात कर रहे हैं, बताना चाहते हैं, और वही 20 वर्ष पुरानी बात उसको बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका संप्रेषण प्रासंगिक नहीं है। अतः बदलते हुए परिवेश को ध्यानगत रखते हुए मूल्यांकन करना चाहिए और तदनुसार हमको अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। शाब्दिक संप्रेषण की प्रक्रिया में एक बाधा और पैदा होती है और वो है तथ्यों निष्कर्षों के बीच जो संदिग्धता पैदा होती है या तथ्यों और निष्कर्षों के बीच के संबंधों के बारे में जो संदिग्धता पैदा होती है उसके कारण होती है। तथ्य जैसा कि आप जानते हैं जो सत्य को प्रदर्शित करते हैं, जैसे हमारे देश की आबादी कितनी है, ये एक तथ्य है। आपकी उम्र कितनी है, यह तथ्य है। आपका पता क्या है, यह तथ्य है। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन आमतौर पर हम इसको तथ्य ही मानते हैं, क्योंकि समय, संसार, व्यक्ति, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो जो तथ्य, जो सत्य आज आप अभी कह रहे हैं, वो कुछ दिनों के बाद जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें होता है, लेकिन फिर भी हम उसको सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे किसी ग्रुप की, किसी समूह के सारे लोगों की उम्र का पता कर लिया जाए कि कितनी उम्र है और उसका औसत निकाला जाए, तो देखिए सबकी, एक एक व्यक्ति की उम्र जो है वो तथ्य है, और जब उसका हम गणितीय गणना करके औसत निकालते हैं तो औसत जो है वो निष्कर्ष हो गया, और निष्कर्ष के तौर पर आप कहते हैं कि इस समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उस समूह के सभी व्यक्तियों की आयु 25 वर्ष हो, किसी की 21 हो सकती है, किसी की 29 हो सकती है, किसी की 26 हो सकती है। तो यहां पर एक व्यक्ति या सभी व्यक्तियों की अलग अलग जो आयु है यह तथ्य है, और जो हमने उनका औसत आयु निकाला यह निष्कर्ष हो गया। तो सत्य जो होते हैं वो निष्कर्ष को जन्म देते हैं, सत्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर हम निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। कभी कभी हम बिना तथ्य की सत्यता को जानते हुए ही निष्कर्ष प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अक्सर आप सुनते होंगे कि लोग यह कहते हैं कि गणित में लड़कों की जो योग्यता है, जो दक्षता है, वो लड़कियों की तुलना में अधिक होती है। ये अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन इस कथन के पीछे, इस निष्कर्ष के पीछे क्या किसी ने कोई शोध कार्य किया है
किसी ने आंकड़ों का संकलन किया है, किसी ने क्या इसकी गणितीय गणना करके ये देखा है कि लड़के बेहतर होते हैं लड़कियों की तुलना से गणितीय मामले में, गणित विषय में, ऐसा नहीं किया होता है तब भी लोग ऐसा कह लेते हैं और मान भी लेते हैं। तो यहां पर देखिए, तथ्य निर्धारित हैं लेकिन निष्कर्ष हम प्रतिपादित कर दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी के बारे में कोई कथन कहते हैं, जैसे आपने कहा कि फला व्यक्ति बहुत ही बेईमान है, या फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, फला व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है। आपने देखा तो नहीं, इंटेलिजेंस टेस्ट दिया नहीं, फिर भी फला व्यक्ति के बारे में आपने निष्कर्ष निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? क्योंकि लोग कहते हैं तो लोगों के कहना मान करके आपने निष्कर्ष निकाल लिया। लोगों के कहने के पीछे क्या उन्होंने कोई तथ्य एकत्रित किया है? हालांकि उन्होंने भी तथ्य एकत्रित नहीं किया और आपने भी तथ्य एकत्रित नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने निष्कर्ष जारी कर दिया। तो यहां पर देखिए, अगर तथ्य आपके पास नहीं है तो निष्कर्ष जो आप जारी करते हैं, जो प्रतिपादित करते हैं, उसकी कोई वैधता नहीं रहती है। और इस तरह के कथनों का जब प्रयोग हम संप्रेषण में करते हैं तो हम वास्तविकता को संप्रेषित न करके दुविधा पैदा करते हैं। और इस प्रकार के कथनों को, कथन से, इन प्रकार के शब्दों से संप्रेषण में बाधा पैदा होती है। जब हम तथ्यों की बात करते हैं, जैसे आप यह कहते हैं कि फला व्यक्ति चोर है, एक उदाहरण के तौर पर ले लें, तो क्या आपने उसे चोरी करते हुए देखा है? कहने का मतलब है कि तथ्यों का अवलोकन किया है। अगर अवलोकन नहीं किया तो उसकी सत्यता क्या है? और तथ्यों की सत्यता को न जानते हुए, उनकी वैधता को न जानते हुए निष्कर्ष प्रतिपादित कर देना निश्चित रूप से संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा पैदा करता है। तो इस प्रकार के आप देखते हैं कि दैनिक जीवन में हम लोग तरह तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तरह तरह के कथनों का प्रयोग करते हैं जो निष्कर्ष के रूप में माना जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, ठीक है अभी समय खराब चल रहा है, देखना आगे आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। क्या आपने कोई प्रेडिक्शन की कोई स्टडी किया है कि आप इस तरह की भविष्यवाणी कर सकते हैं? लेकिन फिर भी लोग निष्कर्ष निकाल लेते हैं, निष्कर्षात्मक कथन जारी करते हैं। तो इस तरह का जब हम संप्रेषण करते हैं तो कोई वास्तविक संप्रेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, या यह कह लें जिस बात को हम संप्रेषित करना चाहते हैं या इस संप्रेषण का कोई मतलब नहीं निकलता है, ऐसा मेरा कहना है। तो यह रही बात शाब्दिक संप्रेषण में होने वाली बाधाओं की। इसी कार्यक्रम के अगले भाग में हम आपके सामने इस बात का जिक्र करेंगे कि किस प्रकार हम इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपने शाब्दिक संप्रेषण को प्रभावी बना सकते हैं।